हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रज्ञा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों स्किन से संबंधित एक गंभीर समस्या सोरेसिस के बारे में। यह समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है दोस्तों। लगभग 10 मिलियन से ज्यादा केसेस पर ईयर इंडिया में डिटेक्ट होते हैं सोरेसिस के। इससे आप जान सकते हैं दोस्तों कि यह कितनी गंभीर समस्या हो सकती है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो सोरेसिस को क्योर करने में मददगार साबित हुई है। इस बारे में हम अंत में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों, तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। सोरेसिस एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है दोस्तों, जहां पर आपको स्किन के ऊपर बहुत सारे इरप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। यह इरप्शंस आपको रेड कलर के इरप्शंस देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर सिल्वर कलर की परत जमी हुई होती है। यह इरप्शंस ज्यादातर आपको फोरहेड में, आर्म्स में, बैक में या फोल्ड्स में ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। यह एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है दोस्तों। ऑटो इम्यून शब्द हम तब यूज करते हैं जब आपकी डिफेंस सेल्स आप ही के हेल्दी सेल्स को खाना शुरू कर देती है, जिसके कारण दो चीजें होती हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों कि वहां पर इंफ्लामेशन डेवलप होने लगता है, जिसके कारण आपको स्लाइटेस्ट हीट और रेडनेस देखने के लिए मिलती है। दूसरा कारण दोस्तों कि जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनका लाइफ साइकिल खराब होने लगता है। जो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे स्किन के हेल्दी सेल्स को डिस्टर्ब करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो उनका लाइफ साइकिल होता है 4 to 6 weeks का, उसको रिड्यूस करके वो कम दिनों में ले आते हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो हमारे हेल्दी स्किन सेल्स बन रहे हैं और बनकर जो जब स्किन पर आते हैं तो उसे 4 to 6 weeks का टाइम पीरियड लगता है। लेकिन दोस्तों जब बॉडी में सोरेसिस डेवलप होता है तो ये सेल्स दोस्तों कुछ दिनों में ही स्किन की अपर लेयर पर पहुंच जाते हैं और थिक क्रस्ट बना लेते हैं और रेड रेड से पैचेस स्किन पर दिखने लगते हैं, जिसके ऊपर एक सिल्वर कलर की परत देखने के लिए मिलती है दोस्तों। सोरेसिस डेवलप होने का दोस्तों मेन कारण यही होता है कि जो हमारे बॉडी में डिफेंस सेल्स होते हैं वो हमारे स्किन के हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगते हैं और सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से सोरेसिस डेवलप होता है। सबसे मेन रिस्क फैक्टर होता है दोस्तों सोरेसिस डेवलप होने का फैमिली हिस्ट्री। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में सोरेसिस देखने के लिए मिलता है तो आपको डेफिनेटली सोरेसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। दूसरा रिस्क फैक्टर है दोस्तों वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जिन लोगों में बार बार वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उन लोगों में सोरेसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा मेन कारण होता है दोस्तों स्ट्रेस। यह एक मेंटेनिंग कॉज होता है दोस्तों सोरेसिस को डेवलप करने का। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं, तो आपको सोरेसिस डेवलप हो सकता है। या आपको सोरेसिस पहले से है और उस कंडीशन में आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका सोरेसिस और ज्यादा एग्रावेट हो जाता है दोस्तों। यह एक बहुत मेंटेनिंग कॉज होता है सोरेसिस डेवलप होने का। इसके अलावा दोस्तों ओबेसिटी, स्मोकिंग, एल्कोहल, यह भी कुछ मेन कारण होते हैं दोस्तों सोरेसिस डेवलप होने के। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है दोस्तों जिनकी वजह से सोरेसिस होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कुछ साइलेंट सिम्टम्स के बारे में कि हमें सोरेसिस के दौरान पेशेंट में क्या क्या साइलेंट सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको स्किन के ऊपर रेड कलर के पैचेस देखने के लिए मिलेंगे, जो छोटे साइज से आपको बड़े साइज के पैचेस देखने के लिए मिलेंगे। ये पैचेस आपको रेड कलर के पैचेस देखने के लिए मिलेंगे, जिसके ऊपर आपको सिल्वर कलर की एक पपड़ी या परत जैसी देखने के लिए मिलती है दोस्तों। बहुत ज्यादा ईचिंग देखने के लिए मिलती है दोस्तों। कई बार आपको ईचिंग के साथ साथ बर्निंग भी देखने के लिए मिलती है। अगर पस्टुलर सोरेसिस हुआ दोस्तों तो आपको सोरेसिस के दौरान पस देखने के लिए मिलेगा। बड़े बड़े डीप कट्स देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों सोरेसिस के दौरान। यह कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको सोरेसिस के दौरान देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ये तो हो गई दोस्तों साइन सिम्टम्स की बातें। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपके सोरेसिस को क्योर करने में बहुत हद तक मददगार साबित होती है।
सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है दोस्तों सोरियसिस के केसेस में। अगर सोरियसिस के अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में सोरियसिस देखने के लिए मिलता है तो यह बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसके अलावा अगर आपको स्कैल्प सोरियसिस देखने के लिए मिलता है दोस्तों तब भी आप आर्सेनिक एल्बम यूज कर सकते हैं। यह बहुत इफेक्टिव वर्क करती है स्कैल्प सोरियसिस के दौरान। ज्यादातर सोरियसिस हमें विंटर्स में एग्रावेट होता है। अगर आपको विंटर में सोरियसिस की कंडीशन बहुत ज्यादा एग्रावेट होती है तब आप आर्सेनिक एल्बम का यूज कर सकते हैं। यह बहुत इफेक्टिव वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस नेल सोरेसिस में बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपके नेल्स टूट रहे हैं काले पड़ रहे हैं ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपकी ड्राई रफ स्किन है और ब्लीड हो रहे हैं बड़े बड़े कट्स हो गए तो इन केसेस में भी ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों। अगर आपको ज्वाइंट्स के अराउंड या फोल्ड्स में सोरेसिस देखने के लिए मिलता है तो भी आप ग्रेफाइटिस यूज कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों रस्टॉक्स। अगर आपको सोरेसिस के दौरान सोरेटिक आर्थराइटिस देखने के लिए मिलता है दोस्तों जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होने लगता है रेडनेस देखने के लिए मिलती है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप रस्टॉक्स यूज कर सकते हैं। यह सोरेटिक आर्थराइटिस में बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है दोस्तों। मेडिसिन है दोस्तों पेट्रोलियम। अगर आपको सोरियसिस के दौरान बहुत ज्यादा डीप कट्स देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों स्पेशली विंटर्स में अगर आपको हील्स में या फिंगर्स में बहुत ज्यादा डीप कट्स देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों तो आप ऐसी कंडीशन में पेट्रोलियम यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। अगली मेडिसिन है दोस्तों मेजेरियम। मेजेरियम में हमें स्किन पर थिन क्रस्ट देखने के लिए मिलता है दोस्तों। जब पेशेंट उसको पिल करता है तो उसमें से हमें पस निकलता हुआ नजर आता है। अगर ऐसी कंडीशन में आप मेजेरियम यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है दोस्तों पस्टुलर सोरेसिस के लिए। साथ ही हिपरसल्फ और साइलेशिया भी पस्टुलर सोरेसिस में बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है दोस्तों। ये कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन थी दोस्तों जो आप सोरेसिस के दौरान यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हर व्यक्ति का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है अलग व्यक्तित्व होता है सबकी अलग अलग पिक्चर होती है। सभी पेशेंट्स में हमें अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। इसीलिए अगर आप सोरेसिस से परेशान हैं या आप सोरेसिस के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।